द टाइम्स ऑफ जेके देखने वाले तमाम नाजरीन को हमारा सलाम पहुंचे। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात दिन ब दिन नज़दीक आता जा रहा है, वहीं पर तमाम सियासी जमातों की जानिब से मुहिम को तेज कर दिया गया है। उसी की कड़ी आज जिला पुंछ की तहसील मंडी के अंदर देखी जा रही है, जहां पर चिकड़ी बन की आवाम ने आज शाह मोहम्मद तांत्रिक की निगरानी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है। चिकड़ी बन की आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने आज शाह मोहम्मद तांत्रिक की निगरानी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है। शाह मोहम्मद तांत्रिक एक वाहिद ऐसा लीडर है जो हर वक्त आवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहता है, जिसे ये वाजिया होता है कि वो वाकया ही गरीबों के हकीकी लीडर है। नौजवानों ने इस अजम का इजहार किया कि शाह मोहम्मद तांत्रे ने सिर्फ 2 साल में अपनी अवामी खिदमत के जरिए अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया है। अवाम का कहना है कि वो इलेक्शन के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि शाह मोहम्मद तांत्रे के साथ शमूलियत इख्तियार कर सके। चिकड़ी बन के लोगों ने ये अहद किया है कि वो हर इलाके में जाकर शाह मोहम्मद तांत्रे की इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। इनका मकसद यह है कि वो घर घर जाकर आवाम को आगाह करेंगे और गरीब परिवार लीडर की हिमायत करेंगे। आवाम ने वाजिया किया है कि वो अपनी ताकत को यकजा करके तांत्रिक की क्यादत में तब्दीली लाने के लिए पुरअज़म है। मजीद जानकारी के लिए पेश है द टाइम्स ऑफ जेके की ये रिपोर्ट। कोई बच्चा की पढ़ाई का नेक नाल है, कोई किसी भी खुशहाली का, कोई डीलर का नेक नाल, कोई किसी भी तरीका नाल, हम अपना घिराना अग्गे लेके चलना चाहवा। आज हम इसमें शामिल होया और हमारा ये जरा सिरकर्दा है, हम इनके नाल बिल्कुल तावन में इनके नाल खड़ा और अपना घिराना इंशाल्लाह इनके नाल जोड़ गया, बिल्कुल हम इनके नाल खड़ा हर तरीका नाल वोट इनको है और इंशाल्लाह हमारी तरक्की को जितना बंदोबस्त है वो ये करेंगे और हम इनके नाल बिल्कुल। जो है वो शाह साहब ने जरिए फोन बताया कि चिकड़ी बन से हमारे कुछ जो है वो साथी, हमारे जो नौजवान, हमारे कुछ बुजुर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। तो बड़े ही शॉर्ट नोट्स में हमने यहाँ पर तहसील मंडी में ही हमने प्रोग्राम रखा अपने ऑफिस में। तो ये तमाम यहाँ पर इसमें आप ज़्यादातर देख रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान हैं और उन्होंने जो है वो देखा है कि पिछले कई सालों से, किसी की उम्र अगर 20 साल है उसे लगभग अपने 15 सालों का तजर्बा देखा है, उससे पहले भी यहाँ पर लीडर होते थे और सबसे बड़ा जो जो यहाँ पर काम शाह साहब ने किया है जिसको लेकर यहाँ के नौजवान में एक खुशी की लहर है, वो मंडी में डिग्री कॉलेज है, क्योंकि पढ़ाई के जरिए ही जो है हमारे नौजवान आगे जा सकते हैं। पहले हमें जो है वो यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए पुंछ जाना पड़ता था, तो आज अगर चिकड़ी से, सावजा से, लोन से, आई से, कलेरा से जो हमारे बच्चे यहाँ पर मंडी डिग्री कॉलेज में ही यहाँ पर जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम जो है वो इन यहाँ पर जो हमारे नौजवान, इन्होंने भी बताया हमें भी यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये जो शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले ही कहा था कि इलेक्शन का बिगल बजते ही आप देखेंगे कि शाह मोहम्मद तांत्रे साहब की जो फिदाई ने, जो अल्लाह के फजल करम से हर जगह में मौजूद है, तो उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। और मैं अपनी जानिब से शाह मोहम्मद तांत्रे साहब को और तमाम ये जो चिकड़ी बन के नौजवान हजरात है, मैं इनको जो वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ पर भी इन नौजवानों को शाह साहब की जरूरत पड़ेगी, शाह साहब ने भी यकीनदारी करवाई कि माजी की तरह जो है वो मुस्तकबिल में भी हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और ये हमारी पूरी टीम जो है वो चिकड़ी हो या कि चिकड़ी बन हो या कि नागानाड़ी हो, जहां पर भी इनका कोई रब्ता है तो ये पूरी वहां पर अपनी कमेटी बनाकर जो है वो इलेक्शन के लिए मेहनत कर जो है वो यहाँ से आज ही आए चिकड़ी बन के ये हजरात एक मौजूद खानदान से और ये इस दुनिया की जमीन के जो इसके हराम की रोजी खाने वाले शामिल हुए हैं, मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो हम कहते रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये जो हमारा गरीबों का कारवा है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की छत्रछाया है, इसमें आप देखेंगे कि जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, जिन्होंने महबूत का अंदाज हमारा देखा है, खिदमत का अंदाज देखा है, जो गरीबों से हमारी महबूत रही है, जो हम इनका एक हिस्सा बने हैं, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे जो अचीवमेंट है वो ये थी कि हमने एग्रीकल्चर को यहाँ खत्म किया। आप जानते हैं कि उससे पहले जो यहाँ पे शायद इकतदार लोग थे उनके घरों में 5-5 गाड़ियाँ होती थी, जिनके जो लाइट होती थी, तो उस कल्चर को हमने खत्म किया। आज फिर आप देख रहे हैं कि 6-6 साल के बाद, 8-8 साल के बाद वही लोग फिर 10-10 गाड़ियों का कल्चर फिर जिंदा करना चाहते हैं।
लेकिन आवाम ने अब ये तय किया है कि गरीबों के कारोबार उनके साथ रहेंगे और उसके साथ हमारा उठा बैठा है। आप अगर तरक्की को देखिए, अगर मंडी से आप डिग्री कॉलेज को निकाल दें, पॉलिटेक्निकल कॉलेज को निकाल दें, इंडोर स्टेडियम को निकाल दें, डबलमैन ब्रिज को निकाल दें, टैंकमर्क इसको निकाल दें, तो उसके बाद आपकी तरक्की थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह की पावदार हमारे इस कारोबार का विक्रम का साया उसका है और ये कामयाबी हासिल करेगा।